दोस्तों आप सभी का फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का सैंपल पेपर आउट हो गया है, 100% सत्य बता रहे हैं आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ सेंटअप परीक्षा इंटर का कब होने वाला है। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर अक्टूबर में परीक्षा होगा या फिर नवम्बर या फरवरी में। भैया सेंटर परीक्षा जो आपका होता है वो आपको अक्टूबर में होगा, अर्थात ये परीक्षा आपको 23 अक्टूबर से शुरू होने की बात बताई गई है। हालांकि कब होगी पूरी अपडेट के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आपको सर्च क्या कर लेना है वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ से आपको सारा प्रश्न पेपर और सैंपल पेपर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है माधव एनसीईआरटी क्लासेस। थोड़ा सा वेट कीजिएगा और धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आने के बाद आपको होम पेज पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप होम पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। इस पेज में जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है इस तरह के पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम जहाँ पे यहाँ पे लोगो एरो के लिए जा रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सर्च बटन मिला होगा। इसी सर्च बटन पे क्लिक करना है और आपको लिखना है BSEB सेंटअप एग्जाम, सेंटअप एग्जाम, या सीधे इतना भी लिख देना है आपको, लिख करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटअप एग्जाम के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो मैट्रिक इंटर सेंटअप परीक्षा रूटीन और सिलेबस परीक्षा फॉर्म, तो यहाँ पे आपको आ जाना है और सभी जानकारी को इकट्ठा कर लेना है। हम आप लोग को जानकारी के लिए बता दें तो आपका परीक्षा जो है 23 नवम्बर से मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है, तो 27 अक्टूबर से इंटर का सेंटर परीक्षा होगा। 100% ये सत्य है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको हम जानकारी बता रहे हैं, कहीं से इसको फेक मत मानिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको आवेदन भी कर सकते हैं। सेंटअप एग्जाम का सैंपल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, अर्थात आउट वाले प्रश्न देखना चाहते हैं कैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसके लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको कुछ प्रश्न पत्र मिलेगा और कुछ सिलेबस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले सिलेबस देख लेना। यहाँ पे आने के बाद आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा 10th का डमी और यहाँ पे 12th का डमी। होम पेज पर आपको जा जाना है और BSE आपको मॉडल पेपर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है। इसी सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस सर्च बटन पे क्लिक करना है और लिखना है सेंटअप प्रश्न पत्र। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे BSEB सेंटअप एग्जाम, सेंटअप क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर लिखेंगे। सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर देते तो पहले आ जाता। सेंटअप क्वेश्चन पेपर देखिए, देखिए 10वीं सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र जो यहाँ पे आ चुका है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ से इस सैंपल पेपर को देख सकते हैं कि आपसे कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, किस आधार पे प्रश्न होगा। सारे प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिए आ चुका है, तो इस पर डाउन क्लिक करके आप प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में और देख सकते हैं प्रश्न को, रूटीन देख सकते हैं, परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको इसमें दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सभी का सैंपल पेपर आप आसानी से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी विषय का यहाँ पर सेंटर क्वेश्चन का देख लेंगे। PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप लिंक से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्ट देख सकते हैं और PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल जानकारी हम आपको समय पर सही समय पर देते रहेंगे। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।